कोर्ट मार्शल। टॉप सिटी हाउसिंग घोटाले के भ्रष्टाचार में दोषी, पाकिस्तान सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलाने की तैयारी चल रही है। पूर्व ISI चीफ फैज हमीद की संपत्ति होगी जब्त। पूर्व ISI चीफ फैज हमीद की पेंशन भी बंद होगी। इमरान खान के करीबी हैं पूर्व ISI चीफ फैज हमीद। पाकिस्तान को लेकर यह बड़ी खबर है जिसमें पूर्व ISI चीफ फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा। इस पर जिस तरह से हमारे साथ विनोद दत्ता जी, जेएसओडी साहब, आपका इस पर कमेंट, जो खबर सामने आ रही है पूर्व ISI चीफ का कोर्ट मार्शल होगा और ये बताया जा रहा है कि वो इमरान खान के काफी ज्यादा करीबी हैं। बिल्कुल अनन्य जी, हमें याद होगा कि फैज हमीद इमरान खान के बहुत ट्रस्टेड सेना के जनरल थे जब सर्विस में थे, और इनका और असीम मुनीर का काफी ढाई का आंकड़ा था। दोनों आंखों में आंख नहीं देख सकते थे, और इमरान खान ने असीम मुनीर को डीजी ISI के पद से हटाया था। अब ये जब असीम मुनीर सेना अध्यक्ष बने तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैंने ये फैज हमीद को मैंने एक सबक सिखाना है, और उन चीजों की तलाशी की जा रही थी कहां पे फंसाया जा सकता है फैज हमीद को। और उन्हें एक बहुत बड़ा स्कैम मिला जो कि एक हाउसिंग स्कैम है, और जो उस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक था उसने ही फैज हमीद के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखाई और कहा कि फैज हमीद और उसके भाई ने मिलके मुझसे पैसे लिए हैं एक टाउनशिप बनाने के लिए। इसी मौके की तलाश जो असीम मुनीर को थी वो मिल गई, और ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अनाउंस हुआ है जो पाकिस्तानी सेना के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत है, ये डेफिनेटली फैज हमीद को की पेंशन ही नहीं रोकेगा, इसे जेल भेजेगा। क्योंकि पाकिस्तान का एक इतिहास है, जो भी सेनाओं के जनरल में टकराव होता है और उनमें से एक अगर सेना अध्यक्ष बन जाता है तो वो दूसरे जनरल की ऐसी बैंड बजाता है और वो इंश्योर करता है कि उसके आखिरी साल बहुत दिक्कत में निकले। यही चीज असीम मुनीर भी करने वाला है। लेकिन विनोद दत्ता जी, इस तरह की स्थिति आखिरकार पाकिस्तान में क्यों है? चाहे पूर्व PM को लेकर आप बात कर लीजिए, पूर्व ISI चीफ को लेकर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, जेल में उनका वक्त जो है वो कटने वाला है, तमाम सुविधाएं जो वहां पर दी जाती हैं सरकार की तरफ से वो सब छीन ली गई हैं, तो इस तरह के हालात आखिरकार पाकिस्तान में क्यों बनते हैं? देखिए, अगर आप तारीख में जाएं तो इसकी जो बुनियाद है वो मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी थी। उन्होंने जब ISI में एक पॉलिटिकल विंग बनाया था, और उन्होंने जो बाकी उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनकी उनकी स्पाइंग करना शुरू किया, तब से ISI इतना मुखर और इतना सब्सटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि आज वो वहाँ की जो सियासत है उसको डिक्टेट करता। दूसरी बात, जो भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ रहा है, क्योंकि फौज का दखल वहाँ, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, या डिफेंस का मामला तो खैर आता ही उनके नीचे है, वहाँ फौज का जो दखल है वो काफ़ी है। कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं होता जब तक उसमें 80% इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की ISI का है या पाकिस्तान की फौज का है। क्योंकि फैज नदीम थे, इन्होंने जब वो ISI चीफ थे, क्योंकि वो इमरान खान उसको चाहते थे कि वो उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए, लेकिन कमर बाजवा ने उनको ये नहीं होने दिया, और इसकी जो वो थी खुंदक थी वो अब निकाली जा रही है। जैसा बताया गया था कि भाई अभी के मुनीर साहब का और इनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, तो पाकिस्तान में ये इतिहास रहा है कि कैसे किसी को दबाया जाए। ISI के चीफ अगर आप सबकी इन्वेस्टिगेशन कराएं तो वो अरबपति नहीं सुपर अरबपति निकलेंगे, क्योंकि उनके ये सब एक ट्रेडिशन बन गया है। क्योंकि ये जो CPEC थे उसके भी डायरेक्टर रहे हैं काफ़ी दिनों तक, और वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी कमाई की है, तो यकीनन मुनीर साहब इनको घेरने के चक्कर में हैं, और प्रॉपर्टी तो अटैच हो गई, उन्हें भी वो जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और ये भी एक मैसेजिंग है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात देखे गए हैं, वहाँ पाकिस्तान में भी ये तवक्को की जा रही है कि वहाँ कोई इस तरह का अनरेस्ट हो सकता है और पाकिस्तानी सेना के लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।
और फैज का हाथ भी उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि इमरान जिस तरह का जन आंदोलन या जन आवाम को मूव कर सकते हैं वो किसी और नेता में आज की तारीख में पाकिस्तान में वो कुवत नहीं है। तो क्या मान लिया जाए जयेश सोढ़ी साहब की फैज हमीद का वही हाल होने वाला है जो इस वक्त इमरान खान का हो रहा है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बल्कि फैज हमीद का हाल तो इमरान खान से बुरा होगा, क्योंकि इमरान खान को तो तब भी वहाँ के सिविल लॉज के तहत ट्राई किया जा रहा है, यहाँ पे तो पूरी पाकिस्तानी सेना के कानून से ट्रायल होगा, और पाकिस्तानी सेना का कानून इतना सख्त है और कठोर है कि मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि फैज हमीद को सजाए मौत भी दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान की सेना आपस में इतनी उलझ चुकी है, और जैसे ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने सही बताया, वहां का हर सेना का जनरल वहां अरब करोड़पति है, उसको शायद पैसे की गिनती भी नहीं आती होगी, इतना उसके पास बेशुमार पैसा होता है पाकिस्तान के हर सेना के जनरल के पास। तो उनकी ये जो लड़ाई पूरी है ये ताकत और पैसे के लिए, और जो भी किसके रास्ते में आता है उसे वो मारने से हिचकते नहीं है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा नैना जी, जो पाकिस्तानी सेना में हाल हो रहा है ये सारी दुनिया के लिए सबक और सीख है कि अपनी सेना को पॉलिटाइजेशन से दूर रखिए। अगर कोई भी देश अपनी सेना को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करेगा उसका वही हश होगा जो आज पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।